जो खड़े हैं कार्यकर्ता उनसे निवेदन है। लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी कांग्रेस के भाई वैभव गहलोत की धर्मपत्नी थी श्रीमती मानसी गहलोत बना चुकी है। उनका मैं नागौरी बेरा वार्ड नंबर 64 में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। सबसे मिलते हुए नमस्ते सर। नमस्कार। और हम उम्र युवा साथियों ने प्रेम भरा नमस्कार, क्योंकि हर एक को अपनी अपनी पदवी के हिसाब से हमको मान और सम्मान देना चाहिए। हम लोग सब एक परिवार के सदस्य हैं, इसलिए यहाँ कोई औपचारिकता की गुंजाइश नहीं है। तो मैं अनौपचारिक रूप से ही अपनी बात करना चाहूंगी, क्योंकि औपचारिकता जहाँ आ जाती है वहाँ परिवार में कमी आ जाती है। और मैं चाहती हूँ कि हमारा परिवार जो आज तक पीढ़ियों से बना रहा है वो वैसे ही बना रहे। बहुत बचपन में हमारे जब माननीय श्री अशोक गहलोत जी का चुनाव प्रचार की शुरुआत हुई थी, तब मुझे मेरी मम्मी ने 2 लाइन लिख के दी थी, अशोक नहीं है आंधी है, मारवाड़ का गांधी है। तो अशोक जी ने इसको सच साबित करके दिखाया। लोगों ने उनके रास्ते में बहुत अड़चने लाने की कोशिश करी, लेकिन वो एक आंधी की तरह पूरे हिंदुस्तान में छाए और अपने गांधीवाद को उन्होंने उसी तरह से स्थापित किया और हमारा पूरे देश में मान सम्मान बढ़ाया। उसी तरह से मुझे लगता है कि जब अब वैभव गहलोत के चुनाव प्रचार की पहली शुरुआत हुई है, हम सब परिवार के सदस्य यहाँ पे शामिल हैं, तो उनके लिए भी क्यों ना कोई 2 नई बात कही जाए कि उनका भी चुनावी आगाज, उनकी राजनीति का आगाज ऐसा हो कि वो अपने पिता से और ज्यादा दुगनी तिगुनी प्रगति करें और देश में हमारे समाज का फिर से नाम रोशन करें। तो मैंने उनके लिए जो लिखा वो मैं वापस से इस नारे को दोहराते हुए बोलूंगी, ताकि आप लोग जो मैं कहना चाहती हूँ वो बात समझ पाए। ये था कि अशोक नहीं ये आंधी है, मारवाड़ का गांधी है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि उस गांधी की ही ये खाती है, ये वही वैभव है जो बचपन से हम सबका साथी है और ये साथ हमेशा बना रहेगा, तब जबकि आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। और आप लोगों का आशीर्वाद तो साथ है, तभी यहाँ पूरा परिवार साथ में है। और ये आप लोगों की सबकी उपस्थिति इस गर्मी के मौसम में भी बताती है कि आपसी प्रेम कितना है। छोटी मोटी शिकायतें आपस में परिवार में होती हैं, लेकिन हम कभी उन शिकायतों को अपने परिवार से ऊपर उठ के किसी और को उसका फायदा नहीं पहुंचाने देते। उसी कड़ी में जब अशोक जी ने हमारे को हमेशा वही मान सम्मान दिया जो कि हमने उनको दिया था, तो उसकी पुनरावृत्ति तभी हो सकती है जब हम उनको ये एहसास दिलाएं कि हमने वैभव गहलोत को भी वही समझा है जो कि उनके लिए वो मायने रखते हैं। और उनका चुनाव प्रचार हम लोग सब कर रहे हैं अपने अपने स्तर पे, और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला, कोई भी माता बहन ये विचार रखते होंगे कि नहीं, हम इस परिवार के सदस्य नहीं हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम बाहर से ऐसी बातें सुनते हैं कि हमारे दिमाग में कुछ सवाल आ जाते हैं और उन सवालों के जवाब हम दे तो नहीं पाते, लेकिन हम अपना मन महसूस के रह जाते हैं कि आखिर हम विरोध किस तरह से करें कि हमें शब्द नहीं मिल रहे। तो मुझे लगता है कि सिर्फ हमारे जोधपुर के विकास के लिए ही 1 और 1 11 की जोड़ी यानी वैभव जी और अशोक जी की जोड़ी की जरूरत नहीं है, इस पूरे देश को जरूरत है। क्यों? क्योंकि आज के जमाने में आप सब देख रहे हैं कि राजनीति में ईमानदारी की जगह कम होती जा रही है, और उस ईमानदारी का वर्चस्व हमारे देश में बना रहे उसके लिए जरूरी है कि जो आपके जाने परखे लोग हैं उन्हीं को हम आगे बढ़ाएं, ताकि वो हमारे देश के लिए हमारे साथ मजबूती से खड़े हो सके। और विरोध के शब्द मेरे जो है, मैं एक बार आपके सामने रखना चाहूंगी कि जैसे मोदी जी का बड़ा बोलबाला चल रहा है, लोग सिर्फ उनको एक अभिनेता की तरह प्रचारित कर रहे हैं कि मोदी जी है तो देश है, लेकिन देश किसी एक आदमी से कभी नहीं चलता, देश देश के लोगों से बनता है और देश के लोग ही हैं जो देश को बनाए रखते हैं, और उसके लिए जरूरी होता है कि हम अपना आपसी प्रेम बनाए रखें। लेकिन मोदी जी ने क्या किया? 5 साल पहले नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, उनके संकल्प पत्र पे 11 भाजपा के नेताओं के चित्र लगे होते थे,
उनका विकास क्या हुआ, उन्होंने बेरोजगारी का विकास किया और साथ में लोगों के जेबें खाली करने का विकास किया, उन्होंने किसानों की आत्महत्याओं का विकास किया और साथ ही साथ कितनी सरकारी नौकरियां चली गई। BSNL जैसी जो संस्था हमेशा फायदे में रहा करती थी, आज उनके पास लोगों को नौकरी देने के लिए पैसे नहीं है, जो इनके एम्प्लॉयज को करीब 5-6 महीनों से तनख्वाहें नहीं मिली है। तो ये सब विकास नहीं है, ये विनाश है और उसको विकास के रूप में प्रचारित करते हैं ये लोग और ये सोचते हैं कि हम सब देश के लोग समझते नहीं है। ऐसा कई बार होता है कि जब अपने ऊपर गिरती है तब आदमी समझता है दूसरे की नहीं समझ पाता। तो हमको इन चीजों से ऊपर बढ़ के अपने आस पड़ोस के लोगों की तकलीफ देखनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि विकास कहीं नहीं हुआ है, विकास सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के घरानों का हुआ है। कोई मोदी जी से ये सवाल नहीं करता कि भामाशाह योजना जो राजस्थान में थी, करीब 5 लाख कनेक्शन बिके होंगे उसमें, वो जियो को क्यों दी गई, BSNL को क्यों नहीं दी गई ताकि लोगों को तनख्वाहें मिल जाती। उन्होंने ऐसे बहुत से काम किए हैं जो कि वो सिर्फ दूसरों को प्रमोट करने के लिए करते हैं। अब जब विकास वो नहीं कर पाए तो 5 साल बाद वो उन्होंने अपना नारा बदल दिया। मुझे मामा जी ने जैसे बताया कि गैस के चूल्हों के बारे में वो प्रचार करते हैं, पेट्रोल पंप पे लिख के रखते हैं, लेकिन कहाँ तक पहुंचा वो, गैस के सिलेंडर की रेट्स कहाँ तक पहुंची, लोगों ने लोन पे भी ले रखे हैं ये, ऐसा मैंने सुना है। तो ये विकास नहीं है, ये हमारा देश इससे बहुत अच्छा पहले था और अच्छा बन सकता है, लेकिन हम लोगों को सबको अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा कि मन पे ना जाए, हिंदू मुस्लिम कर देंगे, धर्म की बात कर देंगे, राष्ट्रवाद को प्रचारित कर देंगे। हाँ, राष्ट्रवाद से याद आया, नया एजेंडा राष्ट्रवाद है, पर उसमें खासियत अगर आप लोगों ने किसी ने गौर की हो तो मोदी जी ने संकल्प पत्र में सिर्फ और सिर्फ अपनी तस्वीर लगाई है, यानी वो इतने आत्ममुग्ध हो चुके हैं, तो सोचने में बड़ी आसानी से लोगों को बेवकूफ बना रहा हूँ जो कि वो सच नहीं है। तो ये सच सामने तब आएगा जब जो आप लोग जो सब समझ रहे हैं इस बात को, उस बात को आप लोगों तक पहुंचाएंगे। कई बार मैं जैसे सोशल मीडिया पे मैं थोड़ी देखती रहती हूँ, कई अपने जान पहचान के लोगों के भी विचार मोदी जी के प्रति बदल रहे हैं, तो उन्हें बदलने की नहीं, अपने मन में सोचने की जरूरत है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है क्या। खाली किसी एक व्यक्ति के विरोध की खातिर आप किसी दुनिया में सबको गलत साबित कर दें, ऐसा नहीं होता है। तो उसके लिए जरूरी है कि हम देखें कि कहाँ कमियां हैं और उन्हें हमें कैसे अपने स्तर पे दूर करना है। तो किसी आत्ममुग्ध व्यक्ति को जो अभिनेता की तरह स्टेज पे अभिनय करता है, सिर्फ हम उनकी वाहवाही उनकी देख के और उनको वोट दे दें, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो विचार आप कृपया करिएगा और अपने इन विचारों को आप आगे तक पहुंचाएंगे, तभी हमारे यहाँ इकट्ठे होने की जीत है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।